नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय प्रबंधन। मुझे लगता है कि नंबर वन थिंग इन योर स्टूडेंट लाइफ व्हाट यू कैन डू टू मैक्सिमाइज योर गोल्स और टू अचीव योर गोल्स, अगर आपको पैसा कमाना है, डिग्री कमानी है, जो भी करना है जीवन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू हैव इन योर कंसिडरेशन। जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को, आपके पास अभी पैसा ना हो बहुत सारा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को अच्छे से मैनेज करके तुम बहुत पैसा कमा सकते हो, जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हो। और जो मैं हूँ लाइफ में, आज अगर मैं आई एम फोरीगोट में गया, अगर मैंने फॉरन ट्रिप्स मारा है, अगर मैं काम पर अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं अपने अर्ली ट्वेंटीज मिला मुझे नहीं पता था। और अगर आपको ये वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स थ्रू अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर वन थिंग इज व्हाई डू यू नीड टाइम मैनेजमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, देन यू डोंट नीड टू सेव और टू मैनेज दैट मनी, बिकॉज यू कैन स्पेंड दैट मनी वेयर एवर यू वॉन्ट, बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। सो बट दैट्स नॉट द केस विथ टाइम मैनेजमेंट। आपके पास अनलिमिटेड असंख्य टाइम नहीं है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। और उस लिमिटेड टाइम से 24 घंटे में, दिन में आप, या फिर महीने में, 30 दिन में, जो भी आप करते हैं वो आपकी फ्यूचर लाइफ को डिफाइन करता है, आपके करियर को, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को, आपके बैंक बैलेंस को, हर चीज को वो डिफाइन करता है। हाउ डू यू मैनेज द टाइम टुडे इन योर हैंड? तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर वन थिंग इज विल डिवाइड इनटू 7-8 डिफरेंट स्टेप्स। मैं आपको जनरल वो प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको एक मोटा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। तो नंबर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा आपके गोल्स क्या है, मतलब आप टाइम मैनेज क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आपको बॉडी बनानी है, हो सकता है आपको MBA एग्जाम की तैयारी करनी है, हो सकता है आपको बहुत पैसा कमाना है, हो सकता है आपको गिटार सीखना है, हो सकता है आपको लैंग्वेज सीखनी है। तो गोल क्या है? फर्स्ट डिफाइन योर 3-4 मेन ऑब्जेक्टिव्स, जितना स्पेसिफिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है नेक्स्ट 6 महीने में। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेन जाना है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव सकते हो। तो फर्स्ट डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नंबर टू, आपके जीवन में, डेली लाइफ में एक आपका रूटीन होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे CEOs के साथ काम किया जो कि 50,000 crore से ज़्यादा का टर्नओवर देखते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, उनका एक रूटीन होता है, हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन। जैसे मेरा रूटीन होता है, डेली मैं 6:30 बजे उठ के पैर 1.5 घंटा 2 घंटा जिम लगाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर ऑफिस से अगर वीडियोज बनाता हूँ, फिर थोड़ा किताब प्ले करता हूँ, या फिर कभी कभार किताब पढ़ता हूँ, राइट? तो हैव अ रूटीन। नंबर टू इज अनक्लटर योर लाइफ। हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना, कि जब भी आप कुछ प्रोडक्टिव करने वाले होते हो, इंस्टाग्राम इज कॉलिंग यू, फेसबुक इज कॉलिंग यू, फ्रेंड्स आर कॉलिंग यू, और टीवी इज कॉलिंग यू, प्लेस्टेशन कॉलिंग यू। तो अनक्लटर योर लाइफ, अपने जीवन को कम से कम, आप जो भी आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस हैं, या फिर बहुत सारे कपड़े हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे फर्नीचर है, बहुत सारा कुछ भी है, उसको अनक्लटर करो, उसको कम करो, ताकि आप एक सीधी सादी सुंदर टिकाऊ जीवन शैली को जी सको। नंबर थ्री इज आपकी प्रायोरिटीज क्या है, राइट? मतलब अपने, आपके जो भी काम है पूरे दिन के, या फिर पूरा आपको जो भी पढ़ना है, लिखना है, धोना है, जो भी करना है, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, रैंकिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट डिफिकल्ट और हार्डेस्ट टू द इजिएस्ट वन, ठीक है। नंबर फोर इज सेट डेडलाइंस फॉर दीज थिंग्स। अगर मेरा आज का काम था कि भैया आज मुझे 4 वीडियो बनाने हैं, और मुझे 2 किताबें पढ़नी है, मुझे थोड़ा आधे घंटे यूकेलेले बजाना है, और मुझे अपने कपड़े धोने हैं, और मुझे घर को साफ करना है, तो जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वीडियोज बनाना, मैं आप वो वीडियोज बना रहा हूँ। तो जो आपका मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, उसको आप सबसे पहले अटैक कीजिए, ठीक है। नंबर फोर इज उन चीजों के लिए आप डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे आज ये करना है, मुझे 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, या फिर मुझे 30 दिन में, मुझे 60 दिन में एक वीडियो, मुझे 60 दिन में लैंग्वेज सीखनी है। तो आपके ऐसे गोल्स होने चाहिए, उसका डेडलाइन होना चाहिए। नंबर पांच इस एक आपके पास डेडिकेटेड वर्क प्लेस होना चाहिए। मैं इतनी वीडियोस बनाया हूँ, तुम लोग अगर मुझे देखते हो तो ये सारी वीडियोस मैं एक जगह पर बैठ के बनाता हूँ, और ये मेरी टेबल है, ये मेरा पूरा सिस्टम है, मैं यहाँ पर आराम से तसल्ली के साथ बैठ कर बनाता हूँ, जहाँ पर मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मेरे पास मेरा जो, अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है तो मेरे पास मेरी कॉफ़ी है, मेरा म्यूजिक का सिस्टम है, मेरा नोट पैड है, तो सब कुछ मेरे पास एक जगह पर है। तो अगर आप अपनी, अपना कुछ काम कर रहे हो, तो अपना एक डेडलाइन बनाओ, उसके साथ एक डेडिकेटेड प्लेस ऑफ वर्क होना चाहिए। मेरी सारी वीडियोस में यही बैकग्राउंड होता है, क्योंकि दिस इज माय वर्क प्लेस। नंबर फाइव इज पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है। उसमें क्या होता है कि जब आप अपने, आपको जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको टास्क करना है, वो 25 मिनट के लिए आप म्यूजिक लगाते हो, या फिर कुछ भी पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हो। उसमें क्या होता है, 25 मिनट्स यू डू एक्सट्रीम वर्क,
एंड देन 5 मिनट्स इज अ ब्रेक, देन 25 मिनट्स, देन 5 मिनट्स। तो वो जो पोमोडोरो टेक्निक है उसके बहुत सारे एप्स भी हैं, उसका आप यूट्यूब पर म्यूजिक लगा के काम कर सकते हो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जो भी कर रहे हो, राइट। मैं पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, स्पेशली अगर मुझे कुछ डीप रीडिंग करनी है, अगर मुझे कुछ वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी है, जैसे मैं हर एक वीडियो की स्क्रिप्टिंग करता हूँ, राइट। उसके बाद ये 6 पॉइंट हो गए, नंबर 1 इज आपका रूटीन होना चाहिए, नंबर 2 अनक्लटर लाइफ, नंबर 3 आपकी काम को प्रायोरिटाइज करो, नंबर 4 सेट डेडलाइंस, नंबर 5 हैव अ प्लेस टू वर्क, नंबर 6 इज पोमोडोरो टेक्निक, एंड लास्टली नंबर 7 आर सम प्रोडक्टिविटी हैक्स, मतलब छोटी मोटी चीजें जो आप इधर उधर कर सकते हो अपने मोबाइल से, जो भी अनप्रोडक्टिव ऐप्स है आप उनको डिलीट कर दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इंस्टाग्राम को डिलीट कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐप्स आपका बहुत ज्यादा टाइम खाती है और हर एक ऐप चिल्ला कर आपको बोल रही है भैया मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, मुझे अपनी अटेंशन दो, राइट। तो डिलीट ऑल दोस ऐप्स, नोटिफिकेशन सारे बंद कर दो, मेरे फोन में सारे नोटिफिकेशन बंद है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब कमेंट्स, जब भी आपके कमेंट आते हैं मैं तुरंत इसीलिए रिप्लाई कर पाता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट मारना, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत अपन रिप्लाई करेंगे। नंबर 3 इज अपने फोन को आप साइलेंट मोड में भी रख सकते हो, नंबर 4 इज आप अपने जीवन में ट्रैकर्स बनाइए, अगर आपको लैंग्वेज की 100 पेजों की किताब पढ़नी है तो डेली एक ट्रैकर बनाइए, आज 5 5 5 5 5 5 5, एंड जैसे ही आपका वो जो ट्रैकर कंप्लीट हो जाएगा आपको बहुत खुशी होगी। नंबर 5 इज टू डू लिस्ट भी मैं बहुत बना के चलता हूँ, अगर डेली मेरा कोई काम होता है मेक माई टू डू लिस्ट और उसके अकॉर्डिंग मैं उसको खत्म कर देता हूँ, टिक मार्क जो होता है ना तो बहुत संतुष्टि मिलती है अंदर से। नंबर 5 इज रिवॉर्ड योर सेल्फ, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो जस्ट गिव अ पैट, गिव अ पैट टू योर सेल्फ, अपने आप को आप तोहफा दीजिए, अपने आप को आप थोड़ा रिवॉर्ड कीजिए, आप यू कैन गो फॉर दैट चीट मील और यू कैन वॉच दैट मूवी, यू कैन वेस्ट सम आवर्स। नंबर 5 और नंबर लास्टली द प्रोडक्टिविटी हैक नंबर 6 इज स्टार्ट स्लो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको वजन रिड्यूस करना है, अगर आपको एक बहुत मोटी पुस्तक पढ़नी है, अगर आपको MBA का कैट का कोर्स पूरा खत्म करना है तो वो एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, आपको स्लोली स्लोली काम करना है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, परसिस्टेंस। कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिश्रम, नहीं परिश्रम तो मेहनत होती है, कंसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बताना नीचे। तो आपको प्रोडक्टिविटी हैक्स में दोबारा से रिपीट करता हूँ, डिलीट ऑल द अननेसेसरी एप्स, नोटिफिकेशन को हटा दीजिए, फोन को साइलेंट मोड में रखिए, मेक ट्रैकर्स, रिवॉर्ड योरसेल्फ, टू डू लिस्ट एंड स्लोली स्लोली, ठीक है। समझ में आया भाई, बात समझ में आ रही है, ये वीडियो थोड़ी बोरिंग तो नहीं लगी ना आपको, अगर आपको ये कुछ समझ में आया हो मेरी तरफ से तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जस्ट यू लाइक इट और नॉट, और अगर नहीं भी आपको, अगर आपकी कोई अलग प्रोडक्टिविटी है वो भी आप मुझे बता सकते हैं नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं भी उनको यूज कर सकता हूँ। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द मीन टाइम आप इन दोनों में से कोई वीडियोज को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, और टाइम बचाओ, मेहनत करो और घूमो फिरो, चिल करो।